Welcome to World of Fashion and Designing. Fashion and Designing is all about dreaming. So BNI-fied, fulfill your dreams and start making other people dream. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFA'd. Yes, I am an IFA'd. Design your future. पश्चिम बंगाल के बवाल को लेकर अब यूपी में भी हंगामा शुरू हो गया है और ममता बनर्जी के पुतले को फूंक कर प्रदर्शन किया जा रहा है। जनपद हापुड़ में अतरपुरा चौराहे पर भाजपा नेताओं द्वारा ममता बनर्जी के पुतलों को फूंक कर जोरदार प्रदर्शन किया और ममता की सरकार पर भाजपा नेताओं ने जमकर हमला बोला। भाजपा के जिलाध्यक्ष विकास अग्रवाल ने ममता बनर्जी को तो आतंकवादी महिला ही बता दिया। हम आपको बता दें कि हापुड़ के नगर पालिका में भाजपा नेताओं ने मिलकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूंका और नारेबाजी की। भाजपा नेताओं का कहना है कि जिस तरह से उन्होंने सीबीआई को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कराया है, यह सबको मालूम है कि यह एफआईआर कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी। ममता बनर्जी की जो सरकार बंगाल के अंदर चल रही है, उनके द्वारा जिस प्रकार का आतंक मचाया जा रहा है और सीबीआई के अधिकारियों को जिस प्रकार से उन्होंने गिरफ्तार किया और कानून को उन्होंने तहस नहस कर दिया, उसके विरोध में ये पुतला जगह जगह फूंका जा रहा है। सभी को जानकारी है कि जो एफआईआर हुई थी ये कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी और ये जो अधिकारी गए थे ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहाँ पर गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लेकर के ममता बनर्जी ने दुष्प्रचार किया है ये बात बताने के लिए जनता को ये दुष्प्रचार किया जा रहा है और ममता बनर्जी सारे कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रही हैं, ये बात बताने के लिए हम पुतला फूंक रहे हैं। ममता बनर्जी धरने पे भी बैठ गई थी, ये उनका राजनीतिक षड्यंत्र है, वो अपने गुनाह को बताने की जगह धरने पे बैठ रही हैं। जब वो मुख्यमंत्री है तो धरने पे किसके खिलाफ बैठ रही है? आज मुख्यमंत्री की रैली पे भी रोक लगा दी, आज की रैली थी वहाँ पे। वो किसी प्रकार से अपनी बातों को दबाना चाहती है, ये इनके इन प्रकार सत्ता में बने रहने के लिए वो हर प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, कहीं ना कहीं कोई बात है जो इस तरह की नौबत आई है? कभी अब से पहले हिंदुस्तान के अंदर ऐसी नौबत नहीं है जो आज पश्चिम बंगाल के अंदर ये बात आई, आखिर क्यों आई है बात? आज उन्हें ममता बनर्जी को लग रहा है कि उनका जो है सारा मत उखड़ रहा है और एक बदलाव वहां पर दिखाई दे रहा है। आज जो माननीय प्रधानमंत्री की जो रैली हुई है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की जो रैलियां वहां पर बंगाल में हो रही है और जनता जो है उमड़ के आ रही है, जितना भारतीय जनता पार्टी अनुमान लगा रही है उससे कई गुना जनता वहां पर आ रही है। ये इस बात का प्रतीक है कि जनता जो वहां पर पीड़ित है, हर गरीब आदमी जो है वहां पर उससे ममता बनर्जी सरकार से पीड़ित है क्योंकि वो हिटलरशाही करती है। आज उसको बदलाव दिखाई दे रहा है तो वो उन्हें भी पता है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, उसे बचाने के लिए वो ऐसा कर रही है। हम आपको बता दें कि कोलकाता में शारदा चिटफंड को लेकर सीबीआई ने छापा डाला था जिसमें पुलिस और सीबीआई में जमकर टकराव हुआ। उसी को लेकर कोलकाता के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी जिसका विरोध हापुड़ में जमकर हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक कर जमकर विरोध किया। 7 न्यूज के लिए हापुड़ से संजीव कुमार की रिपोर्ट।